सो यहां पे हम सीखेंगे आज की फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म किस तरह से निकालते हैं और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म किस तरह से निकालते हैं। तो इसके लिए कोई अलग से फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, जो आपने फार्मूला पढ़ा है फूरियर ट्रांसफॉर्म का, है ना। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर एक नया टॉपिक लेके फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो सेकेंड पार्ट है वो है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। सो यहां पे हम सीखेंगे आज की फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म किस तरह से निकालते हैं और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म किस तरह से निकालते हैं। तो इसके लिए कोई अलग से फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, जो आपने फार्मूला पढ़ा है फूरियर ट्रांसफॉर्म का, है ना। फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला था वो फार्मूला हमारे पास ये होता है, राइट। एफ एस इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई की पावर आयोटा एस एक्स एफ एक्स टी एक्स। अब मैं बताता हूं आपको, यहां पे दो कंसेप्ट बनते हैं। अगर यहां पे इफ एफ एक्स इज इवन, या इवन ऑड का मतलब नहीं है, आप तो सीधा याद रखिए, आप तो ऐसा याद रखिए कि फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है ना। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये e की पावर आयोटा एस एक्स को लिखते हैं हम कॉस एस एक्स प्लस आयोटा साइन एस एक्स, है ना। मैं थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं आपको इधर साइड में कि मैं बताना क्या चाह रहा था। वन अपॉन रूट टू पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये आता है कॉस एस एक्स प्लस आयोटा साइन एस एक्स, है ना। और ये हमारा एफ एक्स है, क्लियर है। और जब इस एफ एक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है, तो वन अपॉन रूट टू पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स, है ना, कॉस एस एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन रूट टू पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, है ना, एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स, क्लियर है। अब यहाँ दो केस बनते हैं, अगर एफ एक्स इवन है, अगर एफ एक्स इवन है तो ये इवन और ये इवन, तो ये पूरा इवन हो जाएगा और ये ट्वाइस हो जाएगा, और वो इवन है और ऑड तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर मैं बात करूं ये इवन है ना, इफ एफ एक्स इज इवन, राइट। सो इवन वाले केस में क्या होता है, ध्यान दीजिए, है ना, ये ट्वाइस हो जाएगा तो ये आएगा टू अपॉन रूट टू पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, है ना, क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी जीरो टू इन्फिनिटी, राइट, जीरो टू इन्फिनिटी, है ना, एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, टू से टू कैंसिल हुआ तो टू अपॉन पाई जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। इसी टाइप से अगर इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, तो अगर ऑड होगा तो ओड होगा तो ये हमारा ओड है और ये हमारा इवन, तो इसका इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, राइट। और ये ओड है और ये ओड है, तो ओड इनटू ओड क्या होता है, इवन, तो ये हमारा इवन हो जाएगा, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस होगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना, हम यहां बात करेंगे। सो दिस इज ट्वाइस रूट टू पाई जीरो टू इन्फिनेटिव एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स, और यहां पर इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास टू अपॉन पाई जीरो टू इन्फिनेटिव एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। सो दिस इज कॉल्ड फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यहां इवन ओड का कंसेप्ट से ये हर जगह नहीं लगता, कभी कभी कोई ओड फंक्शन भी होता है उसका फूरियर कोसाइन पूछ लेगा, कभी इवन फंक्शन भी होगा तो उसका फूरियर साइन पूछ लेगा। तो यहां पे आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है कि साइन फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या होता है और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या होता है। हाँ, अगर आप भूल जाओ तो ये फार्मूला निकालने का एक तरीका आपके पास, राइट। सो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला कितना होता है, मैंने अभी बताया आपको, इसको लिखेंगे हम एफ एस टू अपॉन पाई जीरो टू इन्फिनिटिव, है ना, क्या आएगा यहाँ पे एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स, मैं इसको बोलूंगा एफ एस टी, राइट। दिस इज फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। नाउ इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, क्लियर है, आई एफ एस टी क्या होगा, आई एफ एस टी, ये एफ एक्स इधर आ जाएगा, राइट। सो एफ एक्स इधर आ जाएगा तो कितना आएगा यहां पे, वही टू अपॉन पाई, सॉरी दिस इज टू अपॉन पाई जीरो टू इन्फिनिटिव, है ना, ये एफ एस इधर आएगा, सो एफ एस, है ना, क्या आएगा यहां पे साइन एस एक्स, और यहां एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, राइट, ये दोनों ही स्मॉल एफ है, क्लियर है। बट एक बात ध्यान देना, यहां मैं एस यूज करूंगा बिकॉज ये डिनोट करता है कि ये फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है ना, और ये डिनोट करता है कि इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। नाउ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, राइट, इसको हम बोलेंगे फूरियर एफसीटी, राइट, वही सेम, जहां पे साइन है वहां क्या आ जाएगा, यहां पे कॉस आ जाएगा, राइट। और मैं इसको सी से लिखूंगा, है ना, स्मॉल यूज करिए, क्लियर है। तो कितना आएगा यहां पे टू अपॉन पाई जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स, राइट। और अगर हमें इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज करना है तो ये एफ एक्स इधर आएगा, सो एफ एक्स, है ना, टू अपॉन पाई जीरो टू इन्फिनिटी एफ एस
cos sx ds. तो ये फार्मूले होते हैं, तो फूरियर साइन और कोसाइन का फार्मूला लगभग सेम होता है, बस साइन की जगह कॉस रखना है, क्लियर है? और फूरियर साइन में यहाँ पे क्या होगा, एक्स, और इनवर्स में यहाँ एस के रेस्पेक्ट में फंक्शन इंटरचेंज हो जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना है इस वाले केस में ना. सो मैं आप यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन लेता हूँ, उससे आपको और समझ में आएगा. सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1, 0, 2a एंड 0, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन ए. फाइंड द फूरियर साइन एंड कोसाइन, दोनों ही निकालना है ना. तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, है ना, एफ एस टी निकालेंगे, राइट? सो एफ एस टी का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, 2 upon π 0 to ∞ एफ एक्स साइन एस एक्स टी एक्स, क्लियर? नाउ अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 से a के बीच में 1 है, राइट? तो यहाँ रख दीजिए, सो 2 upon π 0 to 1 एफ एक्स की वैल्यू 1 है, तो ये आएगा आपके पास साइन एस एक्स डी एक्स, और 1 यहाँ रख देंगे, राइट? डी एक्स, सॉरी. सो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो 2 upon π साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस एस एक्स अपॉन एस लिमिट 0 to 1, और इसकी लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 1 माइनस cos एस एक्स अपॉन एस, माइनस अंदर ले लेंगे. सो दिस इज फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, राइट? एस लिखेंगे हम. नाउ अगर आपसे ये पूछे कि फाइंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म में क्या करेंगे हम, वही सेम फार्मूला यूज करेंगे, है ना. बस साइन की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos आ जाएगा, cos एस एक्स डी एक्स. एफ एक्स की वैल्यू वही सेम, 0 to 1 में कितनी आ रही है, एफ सी एस इज इक्वल टू 2 upon π 0 to ∞, ये 1 आएगा, 0 to a में 1 आ जाएगा, तो ये आएगा आपके पास cos एस एक्स डी एक्स. नाउ इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना आएगा, इधर देखिए 2 upon π cos का होगा हमारे पास sin एस एक्स अपॉन एक्स, सॉरी s लिमिट 0 to a, और जब इसकी लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी, क्या आएगी, 2 upon π, जहाँ पर x है वहाँ a रखेंगे, तो ये आएगा sin sa upon s, और 0 पे क्या हो जाएगा, 0. सो दिस इज फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. तो इस तरह से हम फूरियर साइन और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं. सो मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चन हो लेता इस टॉपिक के ऊपर. सो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स. यहाँ दो आपको प्रूफ भी करने हैं. सो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए आप क्या करेंगे, है ना. सबसे पहले बात करेंगे फूरियर एफ एस टी की बात करेंगे, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे. तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या होता है आपके पास, एफ एस इज इक्वल टू 2 upon π, है ना, ये आएगा आपके पास 0 to ∞, है ना, एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स. सो यहाँ पे इसका जो फार्मूला होगा वो कितना होएगा, इधर देखिए आप लोग, 2 upon π 0 to ∞ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ई की पावर माइनस ए एक्स साइन एस एक्स डी एक्स, और हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, 2 upon π, है ना, ये आता है ई की पावर माइनस ए एक्स ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, है ना, कितना आएगा यहाँ पे, माइनस का ए साइन एस एक्स माइनस एस कॉस एस एक्स लिमिट 0 to ∞, क्लियर है? हम लिमिट पुट करेंगे. सो यहाँ हमारे पास आएगी वैल्यू एफ एस इज इक्वल टू 2 upon π, जब हम इसको इन्फाइनेट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस फिर हम 0 रखेंगे तो ये आएगा 1 upon a² प्लस एस स्क्वायर. साइन 0 0 होता है, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी एफ एस इज इक्वल टू 2 upon π एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर. तो यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन हो गया, बट आपसे प्रूफ की बात कर रहा है. तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं, इस वाले केस में हम लेते हैं फाई फूरियर बाय इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म. हम इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी यूज करेंगे वापस, क्लियर है? सो इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, वही सेम इसी क्वेश्चन का इनवर्स, ये एफ एक्स इधर आ जाएगा, एफ एस उधर चला जाएगा, है ना. सो एफ एक्स यहाँ पे मैं ले लूंगा एस, है ना, ये आएगा आपके पास 2 upon π 0 to ∞, है ना, ये आएगा आपके पास एफ एस साइन एस एक्स डी एस, क्लियर है? मैं इसको इधर लिखता हूँ तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 2 upon π 0 to ∞ बटा एफ एस कितना है हमारे पास, ये रहेगा एफ एस, तो ये रखेंगे हम, तो ये आएगा 2 upon π, है ना, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, है ना, साइन एस एक्स डी एस, और हमारे पास जो एफ एक्स था वो कितना था, ई की पावर माइनस ए एक्स, क्लियर है? नाउ ये बाहर निकाल लीजिए, सो दिस इज 2 upon π 0 to ∞, ये आएगा एस साइन एस एक्स अपॉन
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए एक्स। अब जो प्रूव करना है उस पर थोड़ा फोकस कर लीजिए, यहाँ पे m लाना है और यहाँ पे हमारे पास क्या है x, तो सबसे पहले पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू m, जैसे x इज इक्वल टू m रखेंगे तो ये आएगा 2 अपॉन पाई, ये उधर ले जाता हूँ ना, 2 अपॉन पाई को भी है ना, सो 0 टू इन्फिनिटी है ना एस साइन एस एम अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ये आएगा पाई बाई टू ई की पावर माइनस ए एम। अब आपको यहाँ पे जो प्रूफ है उसमें एक्स चाहिए तो एस नहीं चाहिए, क्या करेंगे हम, पुट एस इज इक्वल टू एक्स, तो हम जानते हैं डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स, तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो जीरो से इन्फिनिटी एक्स साइन एक्स एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, दिस इज डी एस, सॉरी दिस इज डी एस है ना, तो ये आएगा आपके पास पाई बाई टू ई की पावर माइनस ए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट देखिए आप आगे वाला फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, सो बाय क्या करेंगे वही सेम, बाय फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, हम जानते हैं फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, सेम टू सेम होता है, बस यहाँ सी हो जाता है, क्लियर है। क्या आएगा यहाँ पे 2 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटिव है ना, ये आएगा हमारे पास एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स, क्लियर। नाउ दिस इज फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म 2 अपॉन पाई है ना, और ये आएगा हमारे पास 0 टू इन्फिनिटिव, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे वही e की पावर माइनस ए एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स है ना, हम यहाँ पे सीधा इसका फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेंगे, क्लियर है। कितना आएगा बेटा इसका फार्मूला, 2 अपॉन पाई e की पावर माइनस ए एक्स ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर है ना, क्या आएगा यहाँ पे माइनस का ए कॉस एस एक्स प्लस एस साइन एस एक्स, क्लियर है। नाउ लिमिट 0 टू इन्फिनिटिव, 0 टू इन्फिनिटिव, क्लियर। नाउ लिमिट पुट करेंगे, सो एफ सी एस इज इक्वल टू बेटा इन्फिनिटिव रखने पर कितना आएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिट 0 हो जाता है, नाउ 0 पुट करेंगे ये आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कॉस 0 1 होता है साइन 0 0 हो जाता है। सो हमारे पास जो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आएगा उसकी वैल्यू आएगी आपके पास 2 अपॉन पाई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। नाउ हम क्या करेंगे इसका बाय, अब ये फूरियर साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म तो आ गया, अब हमें प्रूव करना है, तो बाय इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, सो इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, सेम टू सेम ही होता है, क्या आएगा 2 अपॉन पाई 0 से इन्फिनिटी ये fx अंदर चला जाएगा, राइट fx अंदर चला जाएगा cos sx ds इज इक्वल टू fx आएगा, राइट है ना। तो ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखिए तो इससे हमारा क्या आंसर आएगा वो मैं बताता हूँ आपको, 2 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी ये वैल्यू उठा के यहाँ रखूँगा तो 2 अपॉन पाई a ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर है ना, ये आएगा आपके पास cos एस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास e की पावर माइनस ए एक्स वैल्यू आएगी, क्लियर है। ना ये 2 बाई 2 पाई बाई कितना हो जाएगा 2 बाई पाई 0 से इन्फिनिटी a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर है ना cos एस एक्स डी एस है ना, और ये आएगा हमारे पास e की पावर माइनस, अब वही सेम प्रूफ में आप देखिए यहाँ पे m चाहिए जहाँ पर x है वहाँ पे, तो क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू m और उसको उधर ले जाऊँगा तो ये आएगा 0 से इन्फिनिटी a ए स्क्वायर एस स्क्वायर कॉस एस एम डी एस इज इक्वल टू पाई बाई टू ई की पावर माइनस ए एम। नाउ अब क्या करेंगे पुट एस इज इक्वल टू एस डी एस इज इक्वल टू कितना आएगा डी एक्स, सो दिस इज 0 से इन्फिनिटी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एम डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू ई की पावर माइनस ए। सो इस तरह से हम फूरियर साइन और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, और भी क्वेश्चन है सो मैं एक वीडियो इसके मिक्स पे लूंगा कि फूरियर साइन और फूरियर कोसाइन और फूरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम कुछ प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं, तो वो मैं आपका अगला वीडियो लूंगा। उसके बाद एक और टॉपिक है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, शेयर कमेंट करते रहिए, और भी कोई आपको लगता है कुछ एडवाइस है तो ज़रूर देते रहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।